तो फ्रेंड्स, पहली आदत जो है वो ये है कि जल्दी हिम्मत हार जाना। इसको आप बोल सकते हो करेज, इसको आप बोल सकते हो जुनून। जल्दी हिम्मत हार जाना ये एक बहुत अच्छी आदत नहीं है, और ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है, क्योंकि जैसे ही आप कोई भी काम करने का निर्णय लेते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, और आपको आरसीएम बिजनेस की बात नहीं कर रहा मैं, ओवरऑल किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में अगर आपको कामयाब होना है तो सबसे पहले आपको हिम्मत जुटानी पड़ती है। सारी बात छोड़ो, दूर की बात नहीं करते हम, पास की बात करते हैं, कि आप अगर सुबह सो रहे हैं और आप सपनों की दुनिया में हैं बिल्कुल, और सुबह 5 बजे का अलार्म बजा, और आप अचानक एक बार ये सोचेंगे कि अरे ये 5 बजे का अलार्म बज गया, अब क्या करूं, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको एक आपका कारण नज़र आएगा कि मुझे ये काम करना है, मुझे मॉर्निंग वॉक पे जाना है, मुझे बुक पढ़नी है, मुझे आज तैयार होकर के कोई मीटिंग करने जाना है, या अपना कोई भी काम करना है। तो वो कारण जैसे आपके सामने आएगा, उसी क्षण आपके अंदर एक हिम्मत आएगी और आप उठकर खड़े हो जाएंगे और आप चल पड़ेंगे। जब आपने पहली बार आरसीएम बिजनेस का प्लान देखा था, प्लान देखने के बाद में जरूर आपके दिल में आया होगा कि अगर ये टीम नहीं बनी तो, अगर ये इनकम नहीं आई तो। मेरे दिमाग में भी ऐसी बात आई थी कि ऐसे सामान खरीदने से क्या इनकम आती है। आरसीएम बिजनेस का मैंने प्लान देखा, मेरे दिमाग में भी ये सवाल आया कि सामान खरीदने से भी इनकम आती है क्या। लेकिन एक तरफ मैंने पॉजिटिव सोचा और हिम्मत मेरे अंदर ले आई पॉजिटिव सोचने से, कि अगर इनकम नहीं भी आई सामान खरीदने से, आरसीएम से पहले कौन सी मेरे घर में इनकम आ रही है। और मैंने हिम्मत जुटाई और आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। तो पहले दिन ही मुझे हिम्मत जुटानी पड़ी, और वो हिम्मत कहाँ से आई, पॉजिटिव सोचने से। तो पहले हिम्मत कहाँ से मिली मुझे, एक कारण था मेरे पास कुछ करने का, तो मैं सुबह उठ गया और काम पर चला गया हिम्मत जुटा करके। फिर मेरे अंदर हिम्मत कहाँ से आई, दूसरे कैटेगरी में, फिर मेरे पास हिम्मत कहाँ से आई, फिर हिम्मत आई, मैंने पॉजिटिव सोचा अगर हो गया तो। उसके बाद मैंने आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट यूज़ करने शुरू किए, और एकदम जब मैं आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट अपने घर में लेकर के आया, तो पहले दिन ऐसा नहीं हुआ कि सबने ये कह दिया प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार हैं। मैंने आरसीएम बिजनेस का प्लान देखा था, मुझे पता था कि आरसीएम बिजनेस करने से कल को मुझे फ्रीडम मिल सकती है, मेरा टीम बिल्ड हो सकती है। मैंने अपने परिवार को समझाया कि ये अच्छे प्रोडक्ट हैं, इन प्रोडक्ट को आप यूज़ कीजिए, और अगर उन्होंने शुरू में विरोध किया और मैं हिम्मत हार जाता और उन्हें समझाने की कोशिश नहीं, शायद मैं आज आपके सामने ना होता। तो हिम्मत जुटा करके मैंने अपने परिवार को इसके बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में समझाया। और कोई भी बदलाव जब हम करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि पहले दिन से ही सब ठीक हो जाता है। जब उसके बाद मैंने जब ठान लिया कि अब मुझे आरसीएम बिजनेस में अपनी टीम बिल्ड करनी है, तो मैं प्लान दिखाने के लिए भी गया। ऐसा नहीं था कि पहले दिन में ही लोगों ने मना कर दिया, लेकिन हिम्मत जुटा करके अगले व्यक्ति को भी प्लान दिखाया। पहले ने मना कर दिया तो हिम्मत जुटाकर अगले व्यक्ति को प्लान दिखाया, दूसरे ने मना कर दिया तो हिम्मत जुटाकर तीसरे को प्लान दिखाया, चौथे ने मना कर दिया तो पांचवे को प्लान दिखाया। लेकिन हिम्मत ना हारने की वजह से, लगातार प्लान दिखाने की वजह से हुआ क्या कि मुझे भी मेरी टीम में अच्छे अच्छे साथी मिलने लगे, जिनकी सोच पॉजिटिव थी और जिनके अंदर हिम्मत थी निर्णय लेने की, और वो आगे उन्होंने भी बढ़कर काम करना शुरू किया। हर क्षेत्र में सबसे पहला जो कामयाबी का जो सूत्र है वो है कि किसी भी परिस्थिति में आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको लगातार चलते रहना है, लगातार प्रयास करते रहना है। ऐसा बहुत बार होगा, ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ, ऐसा मेरे आसपास बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। जब हम आरसीएम बिजनेस में थोड़ा सा ग्रो कर जाते हैं, थोड़ी हमारी टीम बन जाती है, तो अचानक एक व्यक्ति आकर के बोलता है कितने साल हो गए आपको, चलो आओ मेरी टीम में, या और बोलेगा कोई कितने साल हो गए आपको, चलो आओ मेरी कंपनी में। बहुत सारे लोग हिम्मत हार करके किसी दूसरी टीम को या किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ, जब मैं आरसीएम बिजनेस में स्ट्रगल कर रहा था, जब मैं अपनी टीम बिल्ड कर रहा था, मेरे पास भी बहुत ऐसे ऐसे बातें आई, बहुत सारे ऐसे ऐसे ऑफर आए, हमारी टीम में आ जाओ हम आपको एक लेग दे देंगे, लेग हमारी कंपनी में आ जाओ, तुम्हारे प्रोडक्ट तो ये हैं। मैं ये नहीं कहता कि आरसीएम बिजनेस से अच्छी कोई कंपनी नहीं है, लेकिन क्या जो जिस कंपनी में मैं जाने की बात सोचूंगा या जिस टीम में जाने की बात मैं सोचूंगा, क्या उससे अच्छी कंपनी या उससे अच्छे अपलाइन या उससे अच्छी टीम नहीं होगी? तो जब उससे अच्छी भी होगी तो फिर ये भी क्या बुरी है,
मैं यहाँ पर रह करके क्यों ना काम करूँ, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि एक जगह पर रहकर ही सफलता मिलती है, और मुझे हिम्मत ना हार कर इसी जगह पर रह करके, इसी कंपनी के साथ रह करके लगातार जब काम करना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो रोज़ बार बार कंपनियाँ बदलते हैं, रोज़ बार बार अपने टीम बदलते हैं, वो कहीं नहीं, वो गोल गोल घूमते रह जाते हैं। लेकिन जो लोग एक ही कंपनी में, एक ही टीम में लगातार काम करते रहते हैं, वो RCM बिजनेस में या और भी किसी क्षेत्र में लगातार जब काम करते रहते हैं एक ही फील्ड में, तो कामयाबी की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। हर पॉइंट पर आपको अपने अंदर एक हिम्मत जुटा करके रखनी पड़ेगी, और आपको हिम्मत नहीं हारनी है। तो पहली जो आदत है, वो पहली जो आदत उन लोगों की है जो RCM बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाते, वो थोड़ी सी मुश्किल परिस्थितियों में हिम्मत हार के अपने निर्णय को छोड़ देते हैं। उन्होंने डिसीजन लिया था, उस डिसीजन को छोड़ देते हैं। और मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि अगर आप हिम्मत हारे तो एक बार उस कारण को ध्यान करें जिस कारण से आपने उस RCM बिजनेस को शुरू किया था। एक बार पॉजिटिविटी के साथ सोचें, मुझे लगातार प्रयास करते रहना है और लगातार काम करते रहना है, क्योंकि बड़ी कामयाबी एक ही जगह पर रहकर लगातार प्रयास करने से होती है। तो पहली आदत आप ये डेवलप करें।